मेरे प्यार बहन भाइयों और मित्रों के बारे में तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि लड़कियों को ये क्या क्या फायदा देता है दोस्तों अगर लड़किया का लिकोरिया कितना भी पुराना क्यों ना हो या पतला हो या गाढ़ा हो चिपचिपा हो या बदबूदार हो तो लड़कियों को ये सिरप पीना चाहिए और महावीर नियमित समय पर पीरियड ना होना या पीरियड रुक रुक कर होना या लंबे समय तक पीरियड होना या पीरियड चक्केदार होना अधिक कष्ट से पीरियड होना तो अगर लड़कियां ये सरप पिएगी तो ये सारी उनकी बीमारी दूर हो जाएगी और इसी के साथ साथ अगर लड़कियों के नलों में सूजन पेड़ों में दर्द कमर कटना कमर कटने से बहुत परेशान आ गई है तो वे इस सरप को पी सकती है और शरीर हर समय थका थका सा रहना चक्कर आना तो आप इस सिरप को पी सकती हो और इसी के साथ साथ डिम्ब कोष पूर्ण विकासित ना होना कमजोर बनना या बनते ही छिनन हो जाना जिस कारण आपके संभोग के समय यानी कि रात को संभोग के समय गर्भाधारण ना होना यानी कि आप गर्भवती ना बनना विस्तार के रूप से मैं आपको बता रहा हूँ या गर्भवती ना बनना या गर्भवती बार बार गिर जाना अथवा संभोग की इच्छा ना होना यानी कि आपको रात को बिस्तर पे संभोग की इच्छा ना होना या इच्छा में कमी आ जाना तो लड़कियों को ये पी लेना चाहिए क्योंकि वे इन सारी प्रॉब्लमों को दूर कर देगा और फायदा देगा और इसी के साथ साथ यौन अवस्था शुरू होते समय हार्मोन्स का पूर्ण विकास न होना शरीर दुबला पतला रहना वक्स ब्रेस्ट पूर्ण विकासित ना होना यानी आपके ऊपरले हिस्से विकासित ना होना यानी कि उनको पोषण ना मिलना तो आप इस सिरप को पी सकते हो तथा चेहरे पर निखार ना आना खून की कमी होना लड़कियों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब उनके पीरियड होते हैं उनका जो ब्लड जमा होता है वो सारा पीरियड के जरिए बाहर निकल जाता है और खून की कमी आती है तो आपको ये सिरप पी लेना चाहिए क्योंकि आपकी प्रॉब्लम दूर कर देगा और मासिक धर्म देर से शुरू होना तो इसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हो और इसी के साथ साथ पेट में कमर में वह पिंडलियों में दर्द बने रहना शरीर में बेचैनी वह मन चिड़चिड़ा सा रहना भूख ना लगना तलवों में जलन व पसीने तथा शरीर में कमजोरी व आलसे बना रहना तो लड़कियों को ये सिरप पी लेना चाहिए और इसी के साथ साथ ख़ास बात मैं आपको बता दूँ डिलीवरी के बाद गर्भवती महिला योनि का यानी वाले लड़कियों का मेन पार्ट का शिथिल पड़ जाना एम हिप्स व शरीर अनावश्यक रूप से बढ़ जाना तो आपको ये सिरप पी ले लेना चाहिए क्योंकि ये सभी विकार दूर करने में सहायक करेगा और गंदे खून की सफाई व महावीरी निश्चित समय पर सुचारू रूप से शुरू करने में सहायता करेगा तो बहनों आपको ये सिरप पी लेना चाहिए जिससे कि आपको ये सारे फायदे होने वाले हैं तो बहनों और भाइयों अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हमें सेवन कब कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए तो बहनों आपको इसे सेवन विधि यानी कि इसकी विधि बता रहा हूँ मैं आपको आपको ये तीन चम्मच सिरप पीना है यानी कि सुबह शाम पीना है इसको तीन तीन चम्मच सुबह शाम पीना है आप एक टाइम भी पी सकते हो लेकिन आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इसको सुबह शाम पी सकते हो खाना खाने के बाद और अब मैं आपको बता देता हूँ अगर आप ये सिरप पीते हो तो आपको क्या क्या परहेज करनी चाहिए आपको तेज मसालेदार वाली चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है और खासकर भुने सामान का सेवन ना करें अगर आप इन चीज़ों का परहेज करोगे तो आपको इस सिरप का असर बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि दोस्तों नारी का स्वस्थ शरीर ही उसका सर्वोत्तम गहना है दोस्तों जिन जिन दिक्कतों में मैंने आपको ये बताया है आप उन उन दिक्कतों में इस सिरप को पी सकते हो और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सक हो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए हो दोस्तों स्त्री स्वास्थ्य रतन की फुल इन्फॉर्मेशन फुल जानकारी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर ले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू धन्यवाद